उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ पर आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए एक मासूम से बच्चे का शिकार किया गया। वाराणसी के जैतपुरा थाना इलाके से एक 5 साल का मासूम गायब हो गया, जिसकी तलाश हर जगह की गई। इस दौरान मासूम का शव कूड़े के ढेर से बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सबके होश उड़ गए। मासूम को पास का रहने वाला शाहिद अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। इस दौरान आरोपी शाहिद के कंधे पर लाल बैग दिखा, जिसके बाद शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त का मृतक बच्चे के बड़े भाई से कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद को ही वो बता रहा है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसका मासूम के बड़े भाई से विवाद हो गया था, जिसमें उसके साथ मारपीट की गई थी और इसका बदला लेने के लिए ही उसने मासूम की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रहे व्यापार मेले में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में वहां मौजूद 4 दुकानें आ गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। नहीं, वो जांच का विषय ऐसे कह नहीं सकते कि शॉर्ट सर्किट है या किसी हीटर की वजह से लगी। दुकानों में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक नाव डूबने से 10 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि नाव पर करीब 30 बच्चे सवार थे, जिसकी वजह से नाव ने संतुलन खो दिया और वो पलट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 11 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उधर बिहार के दानापुर में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। मालगाड़ी दानापुर के स्टेशन की तरफ आ रही थी, तभी ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन इस बीच यहां तेज धमाका हो गया। बताया गया कि मौके पर हाई टेंशन तार होने की वजह से धमाका हुआ, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि वक्त रहते इस पर काबू पा लिया गया और किसी तरह की हताहत नहीं हुई। वहीं मालगाड़ी के पटरी से उतरने की जानकारी मिलते ही मौके पर आरपीएफ समेत रेलवे के बड़े अधिकारी पहुंचे और ट्रेन के डिब्बों को पटरी से हटाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान दूसरी ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा और इस रेल लाइन की कई ट्रेनें कुछ देर के लिए बाधित रहीं। इस जगह पर ये कोई पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी यहाँ कई मालगाड़ियाँ डीरेल हो चुकी हैं। इस बीच चीन में कोरोना के कारण बेकाबू हुए हालात एक बार फिर दुनिया को डराने लगे। लूनर न्यू ईयर चीन का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसे मनाने के लिए चीन में कोरोना की सारी पाबंदियां हटा ली गई। जबकि पिछले 1.5 महीने में चीन में कोरोना वायरस के कारण लाखों लोगों की मौत की खबर है, इसके बावजूद चीन की सरकार ने कोरोना से जुड़ी सारी पाबंदियां हटा ली। हर तरफ लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखी। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं तक पर सारी रोक टोक खत्म कर दी गई। हर तरफ लोग ऐसे जश्न मनाते दिखे जैसे हर तरफ खुशहाली हो, लेकिन चीन का ये हाल दुनिया के लिए नए डर की वजह बन गया। आशंका जताई गई कि चीन की ये लापरवाही वायरस को खतरनाक तरीके से म्यूटेट कर देगी, मतलब कोरोना वायरस के कई नए वेरिएंट बन जाएंगे जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। यानी चीन की ये लापरवाही पूरी दुनिया के लिए तबाही की वजह बन सकती है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीप का न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।